लगता था कि मैं ही बहुत ज्यादा समस्या झेली हूँ, क्योंकि 2 साल की उम्र में पिताजी का नहीं होना एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। माँ कैसे हमको आगे लेके जाएंगी, फिर परिवार समाज सबसे लड़ना था। लेकिन जब मैं आज जितेंद्र भैया से मिली है, जो जोश एक्सप्रेस के समझिए तो फाउंडर हैं, जोश इस एक्सप्रेस को यूट्यूब पे इन्होंने बनाया, उसको चलाया और उसको प्रसिद्ध किया है, जब मैं इनसे मिली तो आज मेरे को लगा कि मेरा समस्या तो बहुत कम था। सोचिए कि 6th क्लास में जब ये थे तो इनकी दोनों हाथें नहीं थी, 6th क्लास में, मान लीजिए कि 6th क्लास में, इनसे भी छोटे रहे होंगे जब इनकी दोनों हाथें 11,000 वोल्ट के पावर से के लगने से कट गई। ईश्वर ने इनको सेव कर दिया। सेव करने के बाद सोचिए कि उस समय जिस बच्चे के पास ना तो सोचने की शक्ति है ना समझने की शक्ति है, उसका दोनों हाथ कट गया, अब वो खाएगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, लिखेगा कैसे, अगर उसकी के पास एक अच्छा बैक सपोर्ट नहीं हो तो वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके बावजूद इन्होंने अपने उस समस्या को चैलेंज बना लिया। जिस प्रकार आप सभी अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुने ही होंगे, मैंने बहुत बार आप लोगों से चर्चा किया है कि अरुणिमा सिन्हा एक ऐसा व्यक्तित्व थी जिसका पैर कट गया, वो मतलब वॉलीबॉल की प्लेयर थी और उसी का कोच और उनसे संबंधित लोगों ने उनको उनके पे मतलब कि अलग सा आरोप लगा दिया, मतलब कि आचरण खराब होने का आरोप लगाया। और वो अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल से मिली और एवरेस्ट की सभी चोटियों को फतह किया जिसका एक पैर नहीं था, तो वो तो चैलेंज की बात थी, वो तो किताबों में भी आज आपको यूट्यूब पे पढ़ने को मिल जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जितेंद्र भैया को देखिए, इनको जानिए और देखिए कि इन्होंने 6th क्लास के बाद इन्होंने अपनी इस समस्या को अपना चैलेंज बनाया, और चैलेंज बनाने के बाद इन्होंने देखिए कि 6th के बाद इन्होंने 10वीं टॉप किया, बीएचयू से 12वीं टॉप किया, ग्रेजुएट टॉपर और कंप्यूटर कोर्स में भी इन्होंने टॉपर, मतलब टॉपर स्टूडेंट की डिग्री हासिल की, जिसके पास हाथ नहीं है, जिसको टीचर भगा दिया करते थे कि हम नहीं पढ़ाएंगे आप, और जिस व्यक्ति को टीचर भगा दिया करते थे वो व्यक्ति देखिए कि आज कहाँ है, कि ये व्यक्ति इस व्यक्तित्व से हमको बात हुआ। मैं नेहा सिंह, मैं आप सभी जानते हैं कि मैं किसी से रात में बात नहीं करती हूँ, मेरी इनसे बातें हुई और ये बोले कि मैम मैं आपसे मिलने आऊंगा, और इनके मिलने आने का कारण ये था कि ये भी देखे थे आप लोगों की वही ग्रेजुएट चाय वाली, और इन्होंने इनको ये लगा कि उस एक लड़की को पूरी दुनिया जान रही है और एक असाधारण क्षमता वाली लड़की जो इतनी समस्याओं से निकली और छपरा में इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रही है जिसके 100 स्टूडेंट सर्विस में हैं और उसको कोई नहीं जानता, और मैं उससे मिलने जाऊंगा, लेकिन ये अपना सौभाग्य समझ के मेरे से मिलने आए, लेकिन मैं ईश्वर के शुक्र गुजार हूँ और मैं ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को ऐसे व्यक्तित्व से मिलने को का मौका मिला जो अपने जीवन के प्रत्येक पड़ाव को चैलेंज के रूप में स्वीकार करता है, कभी रोता नहीं है, कभी झुकता नहीं है, कभी डरता नहीं है, और अपने बल पर इसने अपना एक विरासत कायम किया है। और शायद 6th क्लास में होने के बावजूद पूरी दुनिया जिसको अस्वीकार कर दी, उससे मिलने के लिए आज दुनिया तरस रही है। और नेहा सिंह का और इस रचित कॉम्पिटिटिव जोन का सौभाग्य है कि उसको जितेंद्र भैया जैसे शख्स से मिलने का मौका मिला, और ये मतलब मेरी उपलब्धि भी है कि मैं इनसे मिली। बिहार में सर को अगर देख लिया जाए, चाहे खान सर हो चाहे रहमान सर हो, जिसको आप जानते हो, कोई हमसे छूटा नहीं है, और सबके क्लास और सबके साथ मैं इंटरव्यू किया, कोई सर जिसको आप जानते हो कि ये छोड़ दिया होगा, कोई बिहार का जो जिसको आप लोग समझते होंगे, चाहे बिहार का DIG हो चाहे बिहार का मुख्यमंत्री हो, कोई हमसे छूटा नहीं है। और ये लोग देखिए, जितेंद्र को क्यों, मैं पंजाब से रहता था, क्यों जितेंद्र को ये लोग विचार किए, और तो छोड़ दीजिए सोनू सूद, ये लोग जैसे आप लोग से बैठ के बात होती है उनसे भी ऐसे ही बात होती है, लेकिन मैं उसको निगेटिव जान के चला, मैं लड़कियों को सलाम करता हूँ, बहुत सलाम करता हूँ, इस तरह से जहाँ लोग भूण में ही हत्या कर देते हैं, लड़की मतलब एक कलंक, लड़की मीन्स कलंक लोग समझते हैं, उस लड़की आज इतनी बड़ी विरासत में बैठी, चाय वाली को इतना फेमस करते हैं, जो बैकग्राउंड से इतनी अच्छी है, जाके दिन दिन भर उसके डेस्कटॉप का फोटो लगाएंगे, जहाँ उसका एक बनाई है व्यक्त बनाई उसका लगाएंगे, यही है चाय वाली, आपको क्यों नहीं दिखाते हैं, हमारा समझ नहीं आता। खान सर का मैंने इंटरव्यू किया, रहमान का इंटरव्यू किया, सबका इंटरव्यू किया, लेकिन कोई पूरे बिहार की, भारत की नहीं, बिहार की मैं बात करूँ तो बिहार में आप जैसे कोई टीचर ही ने मुझे नहीं छोड़ दिया, मैं बहुत काफ़ी स्ट्रगल किया, देखा स्टडी किया, जब आपने भेजा तो स्टडी किया कि बिहार में कोई और है कि बस यही है। तो पटना जिसे लोग शिक्षा का हब कहा करते हैं, शिक्षा का क्षेत्र कहा करते हैं, जहाँ पटना जो लोग जाते हैं तो उम्मीद
लेके जाते हैं कि मैं जाऊंगा अगर पटना चला गया तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, निश्चित क्वालिफाई। आज हमें लगता है कि 4x2 या 4x4 का कैमरा होता है एकदम, ये तो बहुत बड़ा है। लाइटिंग बाथरूम हम सही से नहीं बना पाते हैं अगर देखा जाए तो, उसमें बच्चों को मैंने देखा है और उसमें बच्चे पढ़ के और क्या होता है तैयारी अपनी करते हैं। वहाँ पे कोई लेडीज नहीं पढ़ाते, सभी लोग जेंट्स से पढ़ाते हैं। कोई कोचिंग जिसको आप बता दीजिए जो पटना में बहुत काफ़ी फेमस हो आप जानती होंगे, सब में मैं गया हूँ लेकिन लेडीज मैं नहीं देखा। चाहे जैसे के झांग हो, चाहे आर के श्रीवास्तव हो, चाहे आनंद कुमार साहब हो, कोई हमसे छूटा नहीं है, सबके यहाँ बैठा हुआ, सभी लोग बुलाए, आप जैसे बुलाइए ना। ये जितेंद्र का सौभाग्य रहा कि स्टूडेंट और टीचर ही हमको समझ पाए, हीरे की परख जवरी कोई होता है, सभी नहीं समझ पाते। मैं सबसे कहता हूँ ठीक है, होता है अक्सर समाज कहता है कि क्या करेगा, आप भी घर से आई हो ना तो दिक्कत होगा, आप घर से आए हो ना तो दिक्कत, ये क्या करेगा, एक लेडीज के पास जा रहा है पढ़ने के लिए जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं ये क्या पढ़ाती हो, क्या करती हो, क्लेम तो पहले ही आप तो कलम पहले ही हो कि एक लेडीज हो, एक लड़की पैदा होकर ही कलंक बन गई हो, लेकिन आप पढ़ाने लगी ये और कलंकित हो गया, ये क्या पढ़ाएगी। अरे शर्म आती है मुझे तो, कभी कभी लोग कहते हैं मंदिर मस्जिद में जानते कि यार लेडीज नपाक है, उससे बड़े तो नपाक आप हो ना, उसी नपाक से तो मैं भी पैदा हूं ना, है क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, उससे बड़ा तो नपाक आप हो, उसी गंदे नाली से तुम भी आए हो, उससे तो बड़े गंदे आप हो ना। तो एक देखा जाए तो लड़की से बढ़ के धरती पे कोई नहीं है, लड़की ना होता तो संसार ना होता। हम बहुत ब्रिलियंट है, अगर मुझे कोई लड़की ही पैदा की हो, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से आ गया हूँ, जो कहता है कि लड़कियां इधर है उसको भी किसी लड़की ने ही पैदा की। तो ये तो मेरा सौभाग्य, आप गर्व महसूस मत करिए। आज जितेंद्र को भी गर्व महसूस हो रहा है कि जितना खान के साथ मुझे, आप वीडियो चल रहा है, लाइव चल रहा है, खान के साथ मुझे बैठ के गर्व महसूस नहीं हो रहा, उतना आपके साथ गर्व। आज सर मानी चाहिए यहाँ के पत्रकार को, यहाँ के यूट्यूबरों को, कि जाके चाय वाली को उठाएंगे एकदम, और आप जैसे लोगों को नहीं उठा पाते। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे चैनल पे आप आएंगी और लोग देखेंगे, और दिखाऊंगा मैं पूरा फाड़ के दिखाऊंगा कि देखिए चैलेंज कर रहे हैं, ये होती है प्रतिभा, इसको कहता है आयास से नहीं, सतयुग से लेके इस कलयुग, आप डिजिटल युग भी हो गया है, डिजिटल युग तक गुण का पूजा होता है, रूप का पूजा नहीं हुआ है, रूप एक नश्वर चीज है, आज नहीं तो कल ढलना है, ये सत्य है, ये सत्यता है। जो आपके अंदर गुण है, आज जितेंद्र का गुण बोल रहा है, जितेंद्र के पास हाथ नहीं है, लोग यही ना सोचते हैं कि हाथ नहीं क्या कर सकता है, ठीक है, मैं जीता जाता एक लाश बन गया, कुछ नहीं था मेरे पास, लोगों ने मुझे चैलेंज कर दिया, बेटा करोगे क्या, हाथ को कट गया क्या करोगे, सच्चाई था, क्या करूंगा मैं, आप बताइए, आपसे ही कर दूं कि मैं, आप मुझे लिखना बताइए ना, आज बहुत बड़ी टीचर है मैं तो, हाथ से बताएंगे, जितेंद्र के पास हाथ नहीं है कहाँ से लिखेगा जितेंद्र, आपसे कह दूंगा मुझे साइकिल चलाना बताइए ना, तो आप साइकिल हाथ से चलाएंगे, मेरे लिए कोई हाथ थोड़ी कटवाएगा, है ना कटवाएगा। लेकिन आज मैं बोलता हूँ तो खुद से, अगर लिखना चालू किया तो खुद से लिखना चालू किया, एक उंगली कट जाती है तो हालत खराब हो जाता है, मैं माँ बाप को क्यों दूंगा भाई, मैं माँ बाप को दोष नहीं दे सकता ना, घटना तो घटना किसी के साथ हो सकती है, बाल्यावस्था थी, 6 वर्ष में पढ़ रहा था, मैं भी 6 में पढ़ रहा था, 6 में पढ़ने के बाद 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से दोनों हाथ काट दिए। मैं तो सौभाग्य माँ बाप को समझता हूँ कि सबके माँ बाप एक बार पैदा करते हैं वो भी उनका मतलब नहीं भर पाता है, मेरे बाप माँ मुझे 2 बार पैदा करते और 2 बार पैदा करने के बाद आज उनको गर्व होता है, आज गर्व होता है, लोग मेरे नाम से जानते हैं माँ बाप को, जिधर जाते हैं अरे जितेंद्र के माँ बाप जा रहे हैं, ये गर्व होता है। नौकरी नौकरी सिर्फ नौकरी के लिए मत पढ़ाई पढ़िए, अगर पढ़ना है तो सिर्फ नौकरी के लिए मत पढ़िए, मैं तो कहता हूँ जितेंद्र का पहले ही चल रहा था कि किसी का बहुत बड़ा नौकर बन सकता कि जितेंद्र छोटा मालिक बन के दिखाएगा, आज आपके सामने हो आपको ईश्वर ने इसीलिए सुरक्षित रखा कि आप दुनिया के लिए मिसाल बने, यही लोगों के लिए मिसाल बने, जिसको लोग जो लोग अपनी समस्याओं को समस्या बना लेता है, और आप उनके लिए मिसाल बने हैं कि आपने समस्या को चुनौती बनकर स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद समाज में एक स्टैंड पे उनको करे, और ये अपने आप में समझ जाइए कि एक ऐसा मतलब आपने एक ऐसा मैसेज दे दिया है कि मेरे जैसी महिला जो मैं समझिए कि मैं कभी YouTube उतना घंटे नहीं देखती हूँ, और मेरे जैसी लड़की आपका एक दिन में संपूर्ण वीडियो देख रही है,
और मैं ये देख के ये हतप्रभ रही कि आप कर सकते हैं तो कोई सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता है, आप रोते हुए फिर सामान्य रोता क्यों है। मतलब कि एक आपने एक चाय वाली लड़की का चर्चा किया, तो यही ये मेरे को सत्यता लगा कि क्यों आखिर क्या कारण है। एक लड़की रोना शुरू की कि मेरी नौकरी नहीं हो सकती है, उसको तो जितेंद्र से सीखना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हाथ नहीं है वो चैलेंज कर रहा है कि मैं दुनिया में वो पा के दिखाऊंगा जो मेरा ड्रीम था, और एक साधारण सी लड़की जिसका सब कुछ सुरक्षित है इतने वेल जगह से उसने अपना क्वालिफिकेशन हासिल किया। मुझे तो उस दिन जब मैंने पहला वीडियो देखा कि उन्होंने बीएचयू से बारहवीं किया, शायद काशी विद्यापीठ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, अपने आप को फेमस करने के लिए उसको तो छोड़ दीजिए। अब कुछ लोग अभी मेरे पास एक लड़का वीडियो भेजा है किसी का टैटू बनना, हम कहें बेटा ये बताओ माँ बाप का कितने बार टैटू बनाया है, माँ बाप फिर बड़ा कोई है बनवाना है तो उस माँ को बनवाओ ना जिसने तुझे धरती पे लाया है। कि नहीं सर मैं उसका फैन हूँ ना। अरे अपने माँ बाप का फैन क्यों नहीं बन जाता है, तभी बने हो। फैन क्या होता है, माँ बाप के लिए जो फैन लगवाते नहीं है वो दूसरा फैन बनता है, तो ये भी दुर्भाग्य है। अभी भी वीडियो कर रहा है सर चला दीजिए, हमें ठीक है बेटा चलाएंगे तुम्हारा वीडियो, बहुत सुंदर चला। कोई गायक है रितेश पांडे की कौन है उसका बनाया है। अब हम कह दिए कि हम नहीं जानते तो लोगों को तकलीफ, अरे ये नहीं जानता सच्चाई है मैं नहीं जानता हूँ। अब अभी हाल है आप ही के भोजपुरी में बड़ा पंगा था कि पवन को कोई लड़की नहीं जानती है, अरे नहीं जानती है नहीं जानती है। पुष्पा फिल्म अभी आया था, पुष्पा फिल्म आप लोग भी जानते जिसमें गाना शिवली वाला चला था सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप बता ना दीजिए कि कौन सिंगर गाया है, कोई पता है किसी को। अब एक सिंगर महसूस करे ये महसूस करे अरे मुझे नहीं जानता, ये तो गलतफहमी है ना। आप उसको अन्यथा में मत दीजिए, क्लेम मत लगाइए उस पर कि आप क्यों नहीं जानते, ये तो मतलब जोर हो गया ना कि आप जितेंद्र को नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, जाहिर सी बात है हम क्लेम लगाएं आप पे कि आप क्यों नहीं जानते। खान हमको जानते हैं, आप क्या है। मैं अगर ये कहूँ कि खान हमको जानते हैं, खान जैसे लोग बुलाते हैं और आप क्यों नहीं जानते हैं, ये हमारी मूर्खता है, आप नहीं जानते हैं जाहिर सी बात है। जरूरी है कि सबको सभी लोग जानते हैं, क्या समझ लीजिए। तो ये चीज है, इसको आप लोग ये ना कहें कि मतलब मुझे सब लोग जानते हैं, ये सब गलत बात है, इसको मैं ये नहीं समझता। हाँ उसका कार्य है, जो नहीं जानता है उसको भी जानना चाहिए आपको। नहीं देखिए अगर मेरे यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स बैठ के आपको जाने, आपसे कुछ सीखे और आपके इस चैलेंज को समझ के अपने जीवन में भी किसी चीज को चैलेंज बनाए। स्टूडेंट को जाता हूँ काम के भी, वो लोग भी स्टूडेंट को रखते हैं, तो मैं बस यही एक ही शब्द कहता हूँ, कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का काम मान लीजिए। इस धरती पे कुछ नहीं है, जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया। चैलेंज ही चेंज करती है, अगर चैलेंज नहीं होगा जिसके समक्ष वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। जब ठोकर लगेगा तभी तो समझ में आएगा ना यार दर्द हो रहा है, जिसको कभी दर्द नहीं होगा उस दर्द का हम क्या जानते हैं। आप वहां से उठ के आए हैं इसलिए जितेंद्र को जानते हैं, वहां से उठ के आए हैं इसलिए जितेंद्र को, खान वहां से उठ के आए हैं इसलिए जितेंद्र को जानते हैं। सर फिर आपने सही कहा, ये प्राकृतिक सत्य है कि जो समस्या को देखा है वो समस्या को अच्छा से समझता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा है, और आपके बाद तो मैं क्या बताऊँ, आज बहुत सौभाग्य रहा और जिस तरह से व्यू भी चल रहा है और तो कि आपके साथ बैठने का मुझे मौका मिला है। ऐसा नहीं तो हमारे मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत कभी कभी नर्वस हो जाती थी, लेकिन आज मैंने आपको देख के समझा कि नहीं, जीवन के प्रत्येक पार्ट को चैलेंज करना। एक लड़की IPS बन गई, IPS तो मेरा वीडियो है, जब IPS बन गई फिर बुलाए भाई सर आपको नहीं पता क्या आता है, आपको देख कर मैं ये सब जो लोग समझते हैं कि मैं कुछ नहीं करती, वो लोग समझ जाए कि मैं हूँ क्या। सबसे बड़ी चीज है कि हम हैं क्या, अपने आप को पहचानना बड़ी बात है। जो अपने आप ही विश्वास नहीं करेगा ना, तो मैं आइए लिख के दे देता हूँ, वो किसी पे विश्वास नहीं करता। मुझे अपने आप पे विश्वास है, मैं दूसरे पे विश्वास नहीं करता। विश्वास ही का देना कि यहाँ तक आया,
यही चीजें। मैं मॉर्निंग से ही आपका इंतजार कर रही थी, आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी। मैं नहीं बोला कि मैं आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा, हालांकि मैं वहां से शाम को ही आ गया था, तो कुछ लोग थे तो हम भी चले ठीक है, मॉर्निंग में जाऊंगा फिर शाम को निकल जाना। आप लोग देखिए लो, आप लोग हर एक 10 मिनट पे आप जैसे परेशान होने वाले विद्यार्थी लोगों को किससे सीखना चाहिए, नाम लीजिए लोग, जितेंद्र सर से सीखना चाहिए। इन्होंने जो चीज समाज में एक मैसेज दिया है, जो चीज इन्होंने प्रूफ किया है, शायद ही कोई कर पाएगा। आपके यहाँ देखिए किसी का एक पैर कट गया है तो अपने जीवन को क्या असहज बना दिया है ना, जानती है। किसी का सर फूट जा रहा है तो रो रहा है कि मेरे सर में चोट लग गया मैं पढ़ने कैसे जाऊंगा। किसी को थोड़ा सा पैर में चोट लग गया तो वो पढ़ाई छोड़ रहा है। इस व्यक्ति से सीखिए कि क्या इसको उस समय दर्द नहीं महसूस हुआ होगा, क्या समाज का लोग जब इसको इग्नोर करता होगा तो इसको कैसा फील होता होगा। और आज आपको कोई एक व्यक्ति डांट देता है तो आपको समस्या हो जाती है। सोचिए जिसको पूरा समाज धुतकार रहा था, जिसको कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, वो व्यक्ति आज देखिए कि दुनिया में कहाँ पहुँचा है, उसको अच्छे अच्छे लोग जानते हैं। जिस खान सर रहमान सर की वीडियो देख के आप लोग खुश होते हैं, वो खान सर रहमान सर इस व्यक्ति के साथ बैठ के अपना इंटरव्यू शेयर करते हैं, इसके कष्ट को समझते हैं, क्योंकि वो लोग भी उसी समस्या से निकल के आज खान बने, रहमान बने। सभी लोग तो कल ये सारी चीजें थी कि ऐसा नहीं है कि हम सभी एक ही समस्या को झेलते हैं, लेकिन जो अपनी समस्या को समस्या ना समझ के उसको चैलेंज बना लेता है वो दुनिया में कुछ हटके कर लेता है, और जो सिर्फ अपनी समस्या को समस्या बना के रोना रोते रहता है वो दुनिया में कुछ अचीव नहीं करता है। तो आप सभी भी सीखिए इससे और अपनी समस्या को अपना चैलेंज बनाइए। और सुनेंगे कि सर ने क्या कहा कि जब जब दुनिया ने जितेंद्र को चैलेंज किया तब तक जितेंद्र ने खुद को चेंज किया। वास्तव में स्लोगन बहुत अच्छी चीज है और वो ये स्लोगन हम पे भी उतना ही मैच करती है जितना इनके पे मैच करती है। और आज मैं जब इनसे मिली तो मैं मेरे बारे में जब लोग जानना शुरू करता था तो कभी मेरे आँख में आंसू नहीं आते थे, लेकिन जब मैंने इनके बारे में जाना तो मेरे आँख में आंसू आ गए, ये सोच के कि मैं जिस दुख को अपने दुख को इतना बड़ा समझती थी शायद उससे बड़ा कहीं दुख है इनके पास, जिसको दुनिया ने नहीं समझा हमको, हमारा क्या, हमको तो दुनिया ने नहीं समझा, हमको तो दुनिया ने त्याग भी दिया, लेकिन हमने अपने आप को बहुत कम समय में अपने को समाज से अलग करके साबित किया, लेकिन इनको कितना समय लगा होगा। सोचिए कि आप सभी एक साल 6 महीने तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो 6ठी क्लास से स्ट्रगल कर रहा है उसका क्या, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके मन में क्या भाव होने चाहिए, क्या श्रद्धा होनी चाहिए, उसके संघर्ष को आप किस रूप में देखना चाहते हैं। लिखने वाले को इस पे लिखना चाहिए ना, यूट्यूब देखने वाले को इनका चैनल देखना चाहिए ना, वीडियो देख के डांस करने वाले को इनको डांस करके सीखना चाहिए ना, इनका देखिए और इनके बातों पे नृत्य करिए। नहीं तो आप सभी तो आज तक सबके पास मोबाइल फोन है, सभी लोग अपना अपना मोबाइल फोन निकालिए, पहले अपना अपना मोबाइल फोन सब लोग निकालिए, सबके पास फोन है ना, सब लोग एंड्रॉयड फोन निकालिए और सब